श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल सोमवार का दिन है और कल अमावस्या की तिथि है, यानी कि सोमवारी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ होती है। अगर हम इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको तीन महा उपाय बताएंगे जो कि आपको सोमवती अमावस्या के दिन करना है, ठीक है। सबसे पहला जो उपाय होगा, चावल के दाने से धन प्राप्ति का महा उपाय, मात्र एक चावल का दाना, और उसी से आपको धन प्राप्ति का महा उपाय करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो 108 चावल के दाने वाला महा उपाय होगा जो कि आपके जीवन में सुख शांति वैभव की प्राप्ति कराएगा। और तीसरा जो उपाय होगा वो भी बहुत ही प्यारा लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है। तो देखो, तीन महा उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये तीनों उपाय आपके जीवन के सारे संकट, सारी बाधा, सारे कष्टों को दूर करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव भी होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत दिन भर सोचते रहते हैं, उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। देखिए, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। हम सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि आपके घर में धन का आवक हो ही नहीं पा रहा है, धन आता ही नहीं है, घर में धन टिकता नहीं है, तो आपको सबसे पहला उपाय करना चाहिए। अगर आपको विशेष धन की प्राप्ति अगर आपको करनी है, आर्थिक समस्याओं को दूर करना है, या तो आप दो चावल के दाने लें और दो दीपक लें। दो दीपक में कैसे, देखो, चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए और दीपक जो दो लेंगे, एक लंबी बाती का लेंगे और एक गोल बाती का लेंगे। आगे आपको बात समझ में, दो दीपक और दो चावल के दाने वाला ये उपाय है, पहला वाला उपाय। देखो, करना क्या है आपको, आज ही की रात्रि में, यानी कि सोमवती अमावस्या की रात में, यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। एक चावल का दाना आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, दो दीपक और दो चावल लेकर के, एक चावल का दाना आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको रखना है। देखो, बेलपत्र की जड़ में आप रखोगे, सोमवार के दिन बेलपत्र की जड़ में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षत जो है सबसे शुभ माने जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, एक चावल का दाना आपको वहीं पर ज़मीन पर आपको रखना है और उसी के ऊपर आपको एक दीपक, वो भी लंबी बाती का दीपक। लंबी बाती हमेशा लक्ष्मी वृद्धि, धन वृद्धि के लिए होता है, तो आप लंबी बाती का एक दीपक लगाएंगे और वहीं पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लीजिए और धन संबंधित जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास है एक चावल का दाना और एक गोल बाती का दीपक। अब ये एक चावल का दाना और एक गोल बाती का दीपक आपको महादेव के मंदिर में लेकर के जाना है। बहुत ध्यान से समझना, सोमवती अमावस्या के दिन एक चावल का दाना, उसी के ऊपर आपको जैसे कि क्या करना, जैसे ही मंदिर की चौखट पर जैसे ही जाओगे, तो जैसे ही चौखट पर आप मंदिर के प्रवेश करोगे तो आपके सीधे तरफ आपको ये एक चावल का दाना रख देना है और ये एक गोल बाती का दीपक रख देना है और आपको अंदर जाना है और महादेव से प्रार्थना करना है और चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। जब प्रार्थना करेंगे तब चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखो, दो दीपक का महा उपाय है, आपको जड़ में लंबी बाती वाला दीपक लगाना है और मंदिर के बाहर आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। ये दोनों दीपक घी के दीपक होने चाहिए। आगे आपको क्वेश्चन में, ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने लेना है, ठीक है। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो, अब आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा सोचता है, विशेषकर अगर वो ये उपाय करे तो सबसे उत्तम होता है। देखो, कहीं कहीं बार क्या होता है कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां रहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, टेंशन लेते हैं। यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा सोचता हो, बहुत ज़्यादा टेंशन, देखिए कहीं कहीं बार क्या होता है, हमारे घर में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बात बात पर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, मानसिक तनाव उनको दिन भर घेरे रखता है, उनको नींद ढंग से नहीं आती है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है दिन भर, बच्चों का टेंशन रहता है, परिवार का टेंशन रहता है, धन आने के टेंशन होते हैं, या बीमारी हो जाती है तो टेंशन रहता है। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, उस व्यक्ति के जीवन के सारे तमाम टेंशनों को दूर करने के लिए ये उपाय है। मात्र 108 चावल के दाने लेना, बहुत ध्यान से समझना, और साथ में लेना है कच्चा दूध, ठीक है।
सोमवार के दिन कच्चा दूध का उपाय आपके भाग्य का उदय कर देता है। तो चावल और कच्चे दूध और एक लोटा जल लेकर के महादेव के मंदिर में जाएंगे। ठीक है, कच्चा दूध किस में लेंगे? स्टील के पात्र के अंदर, कटोरी के अंदर भी ले सकते हैं, या तो आप पात्र के अंदर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध लेना, उसके अंदर चावल डालना। ठीक है, उसके अंदर जल आपको नहीं मिलाना है। अब ये 108 चावल के दाने जो हैं, आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएगा। ठीक है, 108 बार जाप नहीं कर सकते हैं तो 11 बार इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करें। और ये जो चावल के दाने हैं, 108 चावल के दाने, आपको सोमवती अमावस्या की इस दिव्य रात्रि में कच्चा दूध मिश्रित ये चावल के दाने कच्चे ही होने चाहिए। ठीक है, कच्चे चावल के दाने और कच्चा दूध, ये दोनों अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। बहुत ही भक्ति भाव से अर्पित करना, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना। चंद्रमौली महादेव आपके जीवन में सुख शांति शीतलता प्रदान करते हैं। देखो, चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं, और अमावस्या के काली रात्रि पर जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं उनको तो ये उपाय ज़रूर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर भूरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो हावी हो जाती हैं। तो 108 चावल के दाने इस प्रकार से अर्पित कर देना, और अंत में एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बड़े भक्ति भाव से ये उपाय करना, मन में श्रद्धा रखना और उपाय करना, निश्चित ही आपके सारे तनाव, सारी समस्या, सारे डर दूर हो जाएंगे। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। देखो, तीसरा उपाय भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र एक चुटकी हल्दी से आपके जीवन के तनाव दूर हो जाएंगे। देखो, करना क्या है, आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना है और शुद्ध जल डालना है। ठीक है, साथ में लेना है 1 तांबे के पात्र में शुद्ध जल। ठीक है, और साथ में लेना है थोड़े से चावल, 11 चावल के दाने लेना है, और ये 11 चावल के दाने आपको कच्चे पात्र के अंदर जिसमें दूध है उसके अंदर आपको डाल देना है। आगे आपको बात समझ में, साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, और आपको जाना है बरगद के पेड़ के वहाँ पर। देखो, ये जो उपाय है 2 जगह कर सकते हो, या तो आप बरगद के पेड़ के वहाँ पर भी जा करके कर सकते हो, या तो आप पीपल के पेड़ के वहाँ पर भी जा करके कर सकते हो। ध्यान रखना आपको क्या करना है, हो सके तो बरगद के पेड़ के वहाँ पर जाना। बरगद का पेड़ मालूम है ना, जिसकी जड़ें जो हैं लटकती रहती है, वो बरगद का पेड़। दोनों देव वृक्ष है, दोनों में से जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले कच्चा दूध और चावल वाला जो पात्र है वो आपको बरगद के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। आप अर्पित करेंगे बरगद के पेड़ में, तब आप वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, और अगर पीपल के पेड़ पर कर रहे हैं तो महालक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं, तो भगवान नारायण का स्मरण कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। पीपल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और बरगद के पेड़ में वटकेश्वर महादेव। ठीक है, कच्चा दूध अर्पित कर दिया, उसी के ऊपर आपको शुद्ध जल अर्पित करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आप हल्दी लेकर के आए हैं, हल्दी को क्या करना है, हल्दी में थोड़ा सा पानी मिलाना और हल्दी के जो छींटे हैं वो पेड़ पर करना है, यानी कि देव वृक्ष पर करना है, जो वट वृक्ष है वहाँ पर आपको हल्दी के छींटे करना है। थोड़े बहुत हल्दी के छींटे कर देना, और उसी प्रकार पीपल के पेड़ में भी आपको हल्दी के छींटे करना है, जड़ पे आपको हल्दी के छींटे करना है। तो इस प्रकार से ये उपाय करना, ये उपाय आपके जीवन से सौभाग्य को बढ़ाता है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है, साथ ही साथ धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है, और ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। देखो, अब आपको क्या करना है, अंत में हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक महालक्ष्मी के नाम से या तो बरगद के पेड़ के नीचे लगाना है, या तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी लगा सकते हैं। घी का दीपक होना चाहिए, लंबी बाती होना चाहिए। अमावस्या के दिन आप ये उपाय सूर्यास्त के पहले पहले करेंगे। ठीक है, सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होता है, सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करना है। तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, चावल हल्दी दीपक के महा उपाय हैं। ज़रूर इन उपायों को करना, आपकी समस्या सारी दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारे से उपाय थे। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।